नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। ये बात आपके लिए अब तक नई नहीं है और तमाम नए चेहरों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो वो जनहित में और देश के विकास की योजनाओं को अपने आप को उनसे जोड़ेंगे और अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि सियासत के बहुत सारे समीकरणों को मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए साधने में भी नरेंद्र मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और ये राजनीति का एक बहुत खूबसूरत सा नियम भी होता है। इस बदलाव में, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार में, इस बात का ख्याल रखा गया कि सब तरफ से एक बैलेंस बना रहे। मसलन ना तो कोई मंत्री असीमित अधिकार वाला हो जाए और अगर सहयोगी है तो इतना मजबूत ना हो जाए कि भाजपा की ही गले की फांस बन जाए, उसकी हड्डी बन जाए। हाँ, ये भी ख्याल रखा गया कि सहयोगी दल हैं तो उनके सम्मान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, उनका मान सम्मान बना रहे। और ये सब सोच करके ही सारी बिसात जो है वो बिछाई गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे संतरण वाली इस कहानी के पीछे एक और कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी को पशुपति पारस के सहयोग से तोड़ दिया और बीजेपी ने नीतीश को खुश करने के लिए पशुपति पारस को मंत्री भी बना दिया। लेकिन आप गौर करें कि पशुपति पारस को मंत्रालय कौन सा दिया गया है? पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है और आप जानते हैं कि वो इस मंत्रालय के मंत्री जरूर बन गए हैं। अगर उनके मंत्रालय की बात करें तो आपको नहीं लगता कि वो क्या कर पाएंगे इसमें? और बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोगों को एक डायरेक्ट जो है फायदा मिल सके और जनता को खुद से जोड़ा जा सके। पशुपति पारस ने बड़ा कर लिया लेकिन सियासी कद जो है उनका कोई बड़ा नहीं हुआ। उनको मंत्रालय मिल गया है, उन्होंने मोदी के मंत्रिमंडल में जगह पा ली है, लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो उनको सियासती नज़र से कोई खास फायदा नहीं मिलता। दूसरे मंत्री हैं जेडीयू के कोटे से आए आरसी पी सिंह। यूं तो जेडीयू ने अपने लिए चार मंत्रियों की मांग की थी लेकिन प्रधानमंत्री ने एक पद दिया, पर विभाग काफी भारी भरकम दिया। आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। देश की अर्थव्यवस्था में इस्पात मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन मंत्रालय जितना बड़ा है उससे जुड़े उतने ही बड़े बड़े लोगों के विवाद होंगे और इस मंत्रालय से जुड़े फैसलों में सीधा हस्तक्षेप प्रधानमंत्री का होता है। लिहाजा जेडीयू का भारी भरकम मंत्रालय तो है लेकिन उसमें फैसला अगर लेंगे तो वो जो केंद्र सरकार होगी वही अपना फैसला ले सकेगी। आरसीपी सिंह के पास अपने आप से कोई फैसला लेने की मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप से कोई फैसला ले पाएंगे। वहीं अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल को इस बार पूरी ये उम्मीद थी कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा लेकिन उन्हें राज्य मंत्री से ही संतोष करना पड़ा। अनुप्रिया को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है और पिछले टर्म में अनुप्रिया स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी तो सीधे जनता से जुड़ाव था, लेकिन अब चूंकि वाणिज्य मंत्रालय है तो जनता से सीधे उनका संवाद नहीं रहेगा, संबंध भी नहीं रहेगा। ऐसे में जो जन आधार वाला फायदा पहले मिलता था वो अब उनको नहीं मिलेगा। और बीजेपी ने अपने कुर्मी नेता पंकज चौधरी को भी शपथ दिलाई। इसके मायने मैं आपको बताऊं कि समझना बहुत ही मुश्किल है। कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद के हिसाब से पद दिया गया, लेकिन ये ध्यान देने की बात है, बहुत गौर करने की बात है कि महाराजा को कंगाल महाराजा थमा दिया गया। प्रोफाइल इतना बड़ा है
लेकिन सिविल एविएशन सेक्टर में एयर इंडिया की माली हालत क्या है ये किसी छिपी नहीं है। ये ऐसा मंत्रालय भी नहीं है कि वे अपनी टीम की मदद कर सकें। वहीं शिवसेना से बीजेपी में आए नारायण राणे को MSMI मंत्रालय दिया गया है, जिसकी महाराष्ट्र में अपार संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र की MSMI इकाइयों की मदद करके राणे केवल कोंकण ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में बीजेपी को काफ़ी मजबूत कर सकते हैं, और शिवसेना के लिए एक और बड़े झटके का वो कारण भी बन सकते हैं, उसकी वजह बन सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि राणे को मंत्रालय बीजेपी दिग्गज नेता नितिन गडकरी से हटा करके दिया गया है। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जी के नए जो मंत्रिमंडल है उसमें जो भी विभाग दिए गए हैं वो कहने को बड़े बड़े हैं, लेकिन उसमें उनकी कितनी से रहती है ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। और कायदे से देखा जाए तो राजनीति होती ही ऐसी है, और बहुत माइन्यूटली सोच का इस्तेमाल इसमें किया गया है। बहुत माइक्रो लेवल पे जा कर के चीज़ों को समझा गया है कि किस तरीके से किसको कहाँ से फ़ायदा मिल सकता है और किसको कहाँ से कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता, लेकिन पार्टी में उसकी बल्ले बल्ले भी हो जाए, और ये बल्ले बल्ले केवल कहने भर की होगी। फिलहाल दोस्तों इतना ही। और एक और बात, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।